नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर हरियाणा भूमि पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर में पढ़ते हैं 3 अक्टूबर 2023 के, ठीक है। और जितने भी आपको क्वेश्चन करवाए जाएंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करवाए जाएंगे दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, ठीक है ना, दिल्ली पुलिस एग्जाम के लिए, रेलवे एनटीपीसी एग्जाम के लिए करवाए जाएंगे, ठीक है। करंट अफेयर है आज के, टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वध व्यक्तियों का अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, हाल ही में वृद्ध या बुजुर्ग बुजुर्ग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है, दिवस कब मनाया गया है। यहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, तो आपके माइंड में चलने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। जब भी मैं बोर्ड पे आपके सामने क्वेश्चन पुट करता हूं तो आपके माइंड में तुरंत चलने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। तो अंतरराष्ट्रीय जो दिवस मनाया गया इनके लिए, वृद्ध व्यक्तियों के लिए कब मनाया गया है, ये 1 अक्टूबर को मनाया गया। तो इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट उत्तर है वो कब है, 1 अक्टूबर को मनाया गया है, ठीक है। 1 अक्टूबर क्यों मनाया जाता है जी, तो ये ध्यान रखना, जो वृद्ध व्यक्ति है, बुजुर्ग व्यक्ति है, उनका भी हर काम में योगदान होता है, ठीक है। कोई भी आप काम करते हो घर में तो उनका भी तो योगदान होता है, इसी कारण अंतरराष्ट्रीय वृद्ध व्यक्तियों के लिए यह दिवस मनाया जाता है, क्लियर। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, और एग्जाम में आपको जल्दी मिलेगा ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, हाल ही में बंगाल, हाल ही में बंगाल पीयरलेस हाल ही में बंगाल पीएलएस कंपनी के नए ब्रांड अम्बेसडर कौन बने हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भी, वेरी वेरी। हाल ही में बंगाल पीएलएस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में आपको पक्का मिलेगा, ध्यान में रखना ये क्वेश्चन। इसका जो आंसर है बिल्कुल राइट आंसर, ठीक है, कौन है, सौरव गांगुली, ठीक है, सौरव गांगुली है भाई। कौन है सौरव गांगुली, भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कैप्टन है, ये कप्तान है भाई, भारतीय पूर्व, जो भारतीय क्रिकेट टीम है उसके पूर्व क्या है, कप्तान है, ध्यान रखना, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली को भाई क्या कहते हैं, बंगाल का टाइगर कहते हैं। किसको कहा जाता है बंगाल का टाइगर, सौरव गांगुली को कहा जाता है, ठीक है, सौरव गांगुली को कहा जाता है, ठीक है, ध्यान में रखो। उसके साथ ही है, जो ये कंपनी है बंगाल पीएलएस कंपनी, ये क्या कार्य करती है, यह रियल एस्टेट कंपनी है, बिल्डिंग बनाती है, ठीक है भाई। तो ध्यान में रखना, जो बंगाल पीएलएस कंपनी है,
कंपनी यह एक रियल स्टेट, यह एक रियल स्टेट कंपनी है, ठीक है, यह एक रियल स्टेट कंपनी है जो जो बिल्डिंग बिल्डिंग बनाती है, ठीक है, इमारतें बिल्डिंग बनाती है, ये भाई ध्यान में रखना। बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, पीएलएस कंपनी की स्थापना की बात करते हैं हम, पीएलएस कंपनी की स्थापना कब हुई थी भाई, तो ध्यान में रखना इसकी स्थापना हुई थी 1994 में हुई थी भाई। पीएलएस जो कंपनी है इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं, मुख्यालय पीएलएस कंपनी का मुख्यालय कहाँ पे है, तो कहाँ पे इसका मुख्यालय, कोलकाता में भाई, कोलकाता में है पीएलएस कंपनी का मुख्यालय, कहाँ पे है कोलकाता, कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। अब बात करते हैं जो इसके अध्यक्ष कौन है भाई, पीएलएस कंपनी के, बंगाल पीएलएस कंपनी के अध्यक्ष की बात करते हैं हम, अध्यक्ष कौन है आगे इसके पीएलएस कंपनी के, इसके अध्यक्ष है भाई बी वासु, बी वासु क्या है इसके अध्यक्ष हैं पीएलएस कंपनी के। अगर बात करें कि अध्यक्ष कौन है तो है बी वासु इसके अध्यक्ष हैं। बात करते हैं यहां पे इस कंपनी के एमडी कौन है, एमडी की बात करते हैं, इस कंपनी के एमडी हैं सुनील, सुनील कांति, सुनील कांति राय। यहां पे ये क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपको रिपीट करवा देता हूं। हाल ही में बंगाल पीएलएस कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, पीएलएस कंपनी बंगाल पीएलएस कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन बने हैं, सौरव गांगुली है, सौरव गांगुली भारतीय क्रिकेट जो टीम है इसके पूर्व कप्तान है, ठीक है। सौरव गांगुली को क्या कहते हैं, बंगाल का टाइगर कहते हैं। पीएलएस कंपनी यह एक रियल स्टेट कंपनी है जो क्या क्या कार्य करती है, बिल्डिंग बनाती है, और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय की बात करें तो कहां पे, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। अध्यक्ष है इसके डी वासु है और एमडी कौन है, सुनील कांति राय है, ठीक है। यहां से क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, यही बनता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास है, हाल ही में इलेक्ट्रिक सड़कों का वाला पहला शहर कौन सा बना है, हाल ही में इलेक्ट्रिक सड़कों वाला पहला शहर कौन सा बना है जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करता है, ठीक है भाई, जो सार्वजनिक बसों को क्या करता है, चार्ज करता है उन बसों को। तो यहाँ पर आपको मैं क्वेश्चन पुट करता हूँ आपके सामने, साथ साथ आप नोट भी करते रहना, ठीक है। और हमारे YouTube चैनल को आप अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हरियाणा भूमि YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। क्वेश्चन नंबर तीन की बात हम करते हैं कि हाल ही में इलेक्ट्रिक सड़कों वाला शहर कौन सा बना है। जहां पर ये क्वेश्चन बनता है, आगे क्या पूछ रहा है, जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करता है, जो सार्वजनिक बसों को चार्ज करता है, ठीक है, तो ये शहर कौन सा है, इजराइल में एक शहर, ध्यान रखना तेज अबीब, इसका जो राइट आंसर है, शहर का नाम है तेज अबीब। कहां पर है ये शहर कहां पे है भाई, इसराइल देश में है,
इज़राइल में, इज़राइल देश में है, ठीक है, ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास नंबर चार क्वेश्चन है, मैं क्वेश्चन पुट कर देता हूं आपके सामने। हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत किस राज्य ने की है, सॉरी राज्य नहीं है, हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली की शुरुआत किसने की है, यहां पर ये क्वेश्चन बनता है भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी एग्जाम में यहां से पक्का एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर चार है, इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जाम होगा यहां से एक क्वेश्चन पक्का है आपके पास। हाल ही में ऑपरेशन मेरी सहेली, ऑपरेशन मेरी सहेली को शुरू किया है, तो किसने शुरू किया है, किसने शुरू किया है, क्या है, ठीक है भाई, मेरी सहेली ऑपरेशन, ध्यान रखना ऑपरेशन मेरी सहेली है, ध्यान रखना ऑपरेशन मेरी सहेली है, ये जो अभियान किसने शुरू किया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान में रखना, भूल मत जाना, किसने किया है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया है भाई, ठीक है, दक्षिण पूर्व रेलवे ने किया है इस अभियान को, सो ध्यान में रखना। अब बात करते हैं दक्षिण जो पूर्व रेलवे है इसकी स्थापना कब हुई थी, दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना कब हुई थी, 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी भाई दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता में है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है भाई, कोलकाता में है, मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, कोलकाता। अगर बात करें इसके महाप्रबंधक कौन है, महाप्रबंधक, तो इसके महाप्रबंधक है भाई संजय कुमार मोहंती, संजय कुमार मोहंती ये इसके महाप्रबंधक है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा भारतीय रेलवे पे बात कर लेते हैं भाई, भारतीय रेलवे की बात करते हैं थोड़ा, ठीक है। जो भारतीय रेलवे की बात करते हैं हम, तो भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी, भारतीय रेलवे की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1853 में हुई थी भाई, भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, 16 अप्रैल 1853 में हुई थी भाई। इसका मुख्यालय की बात करें, भारतीय रेलवे के मुख्यालय की बात करें, तो मुख्यालय कहां पे, इसका भारतीय नई दिल्ली में है, कहां पे भाई, नई दिल्ली में स्थित है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहां पे है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अगर बात करें कि रेल मंत्री कौन है, केंद्रीय रेल मंत्री वर्तमान में, केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना, केंद्रीय रेल मंत्री वर्तमान में कौन है भाई, ध्यान में रखना, नहीं याद रहता वो, जो रेल है किस क्या करती है, आवाज करती है कैसे, ऐसे करती है ना, तो यही ध्यान रखना, क्या करती है, पीयूष गोयल है, पी पी करती है ट्रेन, ठीक है, पीयूष गोयल, ठीक है भाई, आवाज करेगी तो क्या क्या करेगी, आवाज आती है ना पी, ऐसे कुछ आती है आवाज, तो केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल, और जो एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है वो क्या आता है, वो आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ध्यान में रखना, वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, पीयूष गोयल है, और आता है स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री की बात करते हैं, स्वतंत्र भारत का
रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री कौन है भाई? ध्यान में रखना कौन है, जॉन मैथाई है। कौन है? जॉन मैथाई। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम रेल मंत्री की बात करते हैं तो कौन है? जॉन मैथाई। और वर्तमान में जो रेल मंत्री हैं कौन है? पीयूष गोयल हैं। ठीक है, अब बात करते हैं रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है भाई? रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं हम। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव। एग्जाम में पूछा गया भाई काफी बार, विनोद कुमार कुमार यादव हैं। ठीक है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? विनोद कुमार यादव हैं। अब यहां से क्वेश्चन है कि भाई आरपीएफ के महानिदेशक कौन है? के महानिदेशक कौन है? आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है भाई? अरुण कुमार हैं, अरुण कुमार हैं। क्लियर। और अभी हाल ही में आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर, नाम बदला गया है भाई, नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो यहां पर रखा गया है भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। भारतीय रेलवे बल सुरक्षा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल आएगा भाई, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक है भाई, ध्यान में रखना जो रेलवे सुरक्षा बल है आरपीएफ का नाम बदलकर, आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रखा गया है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। रेलवे के कुल जोन पूछ जाते हैं, रेलवे जोन कुल कितने हैं? तो ध्यान में रखना कितने हैं हमारे, 18 जोन है भाई। कितने जोन हैं? 18 जोन हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना। तो मैं एक बार रिपीट करवा देता हूँ, ऑपरेशन मेरी सहेली किसने लॉन्च किया है? शुरू दक्षिण पूर्व रेलवे ने। दक्षिण पूर्व रेलवे की स्थापना 1955 में हुई थी। मुख्यालय कहाँ पे है? कोलकाता में है। प्रबंधक कौन है इसके? महाप्रबंधक संजय कुमार मोहंती हैं। और भारतीय रेलवे की डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? 16 अप्रैल 1853 में। मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली में स्थित है। और केंद्रीय रेल मंत्री कौन है वर्तमान में? पीयूष गोयल हैं। और स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री की बात करते हैं, इंपोर्टेंट है भाई, जॉन मैथाई है। कौन है? जॉन मैथाई। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष की बात करते हैं, विनोद कुमार यादव हैं। आरपीएफएस के महानिदेशक कौन है? अरुण कुमार हैं। रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर क्या रखा है? भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और कुल रेलवे जोन कितने हैं? ये कितने जोन हैं? 18 जोन हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ करता हूं अभी आपके सामने। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्यटकों को लुभाने के लिए ओडिशा बाई रोड अभियान शुरू किया है? ठीक है, पर्यटकों को लुभाने के लिए उड़ीसा बाई रोड अभियान जो शुरू किया है, किस राज्य के द्वारा शुरू किया गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये जो अभी मैंने बोला है। ठीक है भाई, हाल ही में क्वेश्चन नंबर 5 है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पर्यटकों को लुभाने के लिए पर्यटकों को लुभाने के लिए ओडिशा बाई रोड अभियान शुरू किया है?
ओडिशा बाई रोड, उड़ीसा बाई रोड अभियान अभियान शुरू किया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान रखना। यहां से हर क्वेश्चन से कम 5-10 क्वेश्चन जरूर बनेंगे आपके, ठीक है? ये मत सोचना सर ने 5-7 क्वेश्चन करवाए, वहां एक क्वेश्चन में कम से कम 5 और 10 के बीच में क्वेश्चन पुट होते हैं आपके, ठीक है? तो ये उड़ीसा बाई रोड अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? इसका राइट आंसर आपके माइंड में आ गया होगा, उड़ीसा। तो किसने किया है? उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है, उड़ीसा राज्य ने शुरू किया है, ठीक है भाई? पर्यटकों को लुभाने के लिए उड़ीसा बाई रोड की भाई ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर क्या है, पर्यटक आएंगे घूमने फिरने। अब बात करते हैं उड़ीसा राज्य की स्थापना की बात करते हैं भाई। उड़ीसा राज्य है, इसकी स्थापना कब हुई थी? यहाँ पे इंपोर्टेंट है भाई, उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 में हुई थी। उड़ीसा राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1936 में हुई। यहां से बात करते हैं उड़ीसा की जो कैपिटल है, राजधानी कौन सी है भाई? भुवनेश्वर है। कौन सी है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की जो राजधानी है कौन सी है? भुवनेश्वर है। उड़ीसा के सीएम की बात करते हैं, मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। कौन है भाई? नवीन पटनायक है उड़ीसा के सीएम, ठीक है भाई? और उड़ीसा के जो गवर्नर हैं, राज्यपाल हैं, वो कौन है? उड़ीसा के जो राज्यपाल हैं वो है भाई गणेशी लाल। कौन है भाई? गणेशी लाल हैं उड़ीसा के वर्तमान में। कहां से हैं जी गणेशी लाल? हरियाणा से हैं भाई। हरियाणा कहाँ से? सिरसा जिले से है, ध्यान में रखना। कहाँ से गणेशलाल? सिरसा जिले से, ठीक है? तो यहाँ पर ओडिशा बाई रोड किस राज्य में शुरू हुआ है? ओडिशा राज्य में शुरुआत की गई है इस अभियान की, ठीक है? नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? हाल ही में भारतीय प्राधिकरण का खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका जो आपके खेल के विषय में आ रहा है, तो भाई खेल के विषय में आ रहा है तो आपके माइंड में तो वैसे ही आ जाना चाहिए केंद्रीय खेल मंत्री कौन है। आ गया होगा तो माइंड में आपके खेल मंत्री कौन है? तो रिपीट कर देता हूं मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय खेल प्राधिकरण का नया लोगो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ठीक है भाई? भारतीय खेल प्राधिकरण का जो लोगो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? केंद्रीय खेल मंत्री। हमारे जो केंद्रीय खेल मंत्री कौन है? केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू, ठीक है? केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू के द्वारा भारतीय खेल प्राधिकरण का लोगो लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? ध्यान में रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं? तो दोस्तों इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे आपको नोट कर रहा हूं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गरीब कल्याण
रोजगार अभियान, रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में, के क्रियान्वयन में 8 पुरस्कार जीते हैं, में 8 पुरस्कार जीते हैं। ठीक है भाई, कौन सा राज्य है वो? इसका जो बिल्कुल राइट आंसर कौन सा भाई? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य ने, ठीक है, उत्तर प्रदेश राज्य ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान के क्रियान्वयन में कितने पुरस्कार जीते हैं? 8 पुरस्कार जीते हैं। किस राज्य में? उत्तर प्रदेश राज्य में। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य की जो राजधानी है, कैपिटल की बात करते हैं दोस्तों। उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो कौन सी है? लखनऊ है। लखनऊ, ठीक है, लखनऊ है उत्तर प्रदेश की। और उत्तर प्रदेश के जो सीएम है वो कौन है भाई? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ है भाई, ठीक है। और यहां के जो गवर्नर हैं उत्तर प्रदेश के, गवर्नर राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल है, आनंदीबेन पटेल है भाई, ध्यान में रखना, ठीक है। तो यहां से इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती की घोषणा की है? हाल ही में कौन सी राज्य सरकार है जिसने सीबीएसई अपने स्टेट के जो भी है स्कूलों में 25% फीस में कटौती करने की घोषणा की है? दोस्तों ये आपके पास इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हो अगर आपके माइंड में क्वेश्चन चल रहा हो तो, और कमेंट्स कर दिया करो। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता, अगर राइटिंग में प्रॉब्लम है, साउंड में प्रॉब्लम है, क्लियरिटी नहीं आती है, तो प्लीज आप कमेंट्स कर दिया करो, ठीक है। हमारे चैनल को शेयर भी करते रहना साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूल फीस में 25% कटौती करने की घोषणा की है? कौन सी राज्य सरकार है जिसने अपनी स्टेट में स्कूल फीस है, जो बच्चों की फीस है, उसमें 25% छूट दी गई है? तो दोस्तों कौन सी है? बिल्कुल राइट आंसर है इसका, कौन सी है? गुजरात राज्य सरकार ने बच्चों की जो फीस है उसमें 25% के लिए छूट कर दी है। तो ध्यान रखना, जो सीबीएसई बोर्ड है या स्टेट बोर्ड है, वहां पे गुजरात में सभी स्कूलों में क्या कर दिया? 25% बच्चों की फीस में छूट कर दी गई है, ठीक है, ध्यान रखना भाई, घोषणा कर दी उन्होंने। अब बात आती है गुजरात की, बात आती है गुजरात की जो राजधानी है भाई, ठीक है, गुजरात की राजधानी कौन सी है भाई? गांधीनगर है। कौन सी है? गांधीनगर। गुजरात की राजधानी कौन सी है? गांधीनगर, ठीक है। गुजरात के सीएम की बात करते हैं हम, सीएम कौन है जी? मुख्यमंत्री कौन है गुजरात के? तो ध्यान रखना भाई, विजय रूपाणी है, ठीक है, विजय रूपाणी, ठीक है। और गुजरात की जो गवर्नर की बात करते हैं हम, राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है भाई, आचार्य देवव्रत है गुजरात के राज्यपाल, ठीक है। तो गुजरात का यही क्वेश्चन बनता है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ समझौता किया है? ठीक है भाई, कौन सी राज्य सरकार है
जिसने जल क्षेत्र के लिए डेनमार्क देश के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो यहां पर आज का लास्ट क्वेश्चन है आपके पास, इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 है। तो क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र के लिए में जल क्षेत्र के लिए जल क्षेत्र में डेनमार्क डेनमार्क के साथ समझौता किया है, समझौता किया है। यहां पर ये क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने जल क्षेत्र में डेनमार्क के साथ क्या किया है, समझौता किया है। तो कौन सी राज्य सरकार है? बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या है, गुजरात राज्य सरकार। बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, गुजरात का मैंने डाटा आपको करवाई दिया है। और आज के लिए जो आपका क्वेश्चन है इसमें आप कमेंट्स करके बताएंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। एक क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन पुट करता हूं, इसमें आप जो कमेंट्स करके बताना इसका बिल्कुल राइट आंसर कौन सा, ठीक है। इसमें है, हाल ही में प्रीतम संजीवनी योजना किस राज्य में शुरू की है, ठीक है। टुडे क्वेश्चन फॉर यू, ठीक है। इसका आंसर आप दोगे भाई कमेंट्स करके बताओगे, ठीक है, हमारे YouTube चैनल में कमेंट्स करके बताना इसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन आज का आपके पास, हाल ही में पर्यटन संजीवनी योजना, पर्यटन संजीवनी संजीवनी योजना योजना किस राज्य में शुरू की है, किस राज्य में शुरू की है। आपके पास ऑप्शन है भाई, हिमाचल प्रदेश राज्य ए ऑप्शन में, बी पे है भाई ओडिशा, सी में है भाई असम राज्य, और चार में भी गुजरात राज्य, ठीक है। इस क्वेश्चन का कमेंट्स बॉक्स में ज्यादा से ज्यादा क्या करो, कमेंट्स करके बताना, ठीक है। और किस राज्य में शुरू किया है, उस राज्य के कैपिटल बतानी है, कौन सी कैपिटल है, और उसके सीएम कौन है और गवर्नर कौन है। साथ में ये तीन चीज होते हैं ना, जिस राज्य ने ये योजना शुरू की है, ठीक है। और दोस्तों हमारे जो यूट्यूब चैनल है हरियाणा भूमि, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करना। आज के लिए सभी को राम राम, जय हिंद, जय भारत।